किस तरह रिस्पॉन्स आ रहा है फैमिली की तरफ से फ्रेंड्स? तो फैमिली और फ्रेंड्स को बहुत ही ज़्यादा टीज़र तो पसंद आया, लेकिन हमने जैसा देखा टीज़र में उतना स्टोरी लाइन पता नहीं चली है क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए सब और भी ज़्यादा क्यूरियस हैं ट्रेलर रिलीज़ होने के लिए और वेब सीरीज़ रिलीज़ होने के लिए। तो वेब सीरीज़ की डेट तो आपको पता ही है 5 मई को है, बट हाँ 5.9 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं अब तक टीज़र पे, जो कि आज 5th डे है टीज़र लॉन्च हुए है। तो 5 डेज़ के अंदर 5.9 मिलियन व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। सो उसके लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि इतना प्यार आप ट्रेलर को दीजिए। ट्रेलर लॉन्च हो रहा है कल 12 बजे, तो आप ट्रेलर को भी उतना ही प्यार दीजिए। और वेब सीरीज़ आ रही है 5 मई को पात्र, जो कि सिर्फ Zee5 पर, तो उसको भी अपना बहुत ही ज़्यादा प्यार दीजिए। जी हाँ, मेरी भी फैमिली और फ्रेंड्स ने बहुत अच्छी लगी है। मैंने भी मेरे फ्रेंड्सों को मेरा टीज़र दिखाया तो उनको भी बहुत अच्छी लगी, और वो लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि ट्रेलर कब रिलीज़ होगा, तो मैंने बोला अभी मुझे भी नहीं पता, तो मैं आज जाके उनको बोलने वाला हूँ कि ट्रेलर कल रिलीज़ होने वाला है। और उन्होंने बोला कि अभी हमको टीज़र में तक कुछ पता भी नहीं चल रहा है, जैसे कि पाप ने बोला, तो उन्होंने बोला ट्रेलर कब आएगा, तो वो कल आने वाला है। सो मैं बोल रहा हूँ आप प्लीज़ जाके पाथर जुगनू देखिए। सुपार्थ इज़ अ स्कूल गोइंग किड, मतलब ही स्टडीज इन 9th स्टैंडर्ड, और वो अपने स्टडीज़ में उतना कुछ अच्छा कर नहीं पा रहा है। ही इज़ वेरी डिप्रेस, उसके कोई ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है। एंड पार्थ की जो नानी है, पार्थ नानी सपोर्ट्स हिम, उसको कहानियाँ सुनाती है। वो पार्थ सहमा हुआ है तो वो पहले ही डर जाता है वो, एंड उसकी नानी उसको जो कहानियाँ सुनाती है रात में, उसको नानी उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है टू ओवरकम हिज फियर्स। जैसा टीज़र में लाइन भी है कि हम किसी चीज़ से सिर्फ तब तक डरते हैं, दैट लाइन, तो वो वही है कि नानी कहानी सुनाती है, तो नानी हेल्प करती है पार्थ को टू ओवरकम हिज फियर्स, और फिर उससे पार्थ थोड़ा कॉन्फिडेंट बनता है, पढ़ाई में भी अच्छा करने लग जाता है इवेंचुअली। सो यस, पार्थ इज़ ऑल अबाउट दैट। एक्चुअली जुगनू एक ऐसा कैरेक्टर है, वो एक मैजिकल बॉय है जो कि सिर्फ आता है 15 डेज के लिए 50 सालों में, और वो अपने ऐसा मस्ती वस्ती करने के लिए नहीं आता, वो प्रोटेक्ट करने के लिए आता है ट्री के लिए, वो संजीवनी ट्री होता है। सो उसकी लाइफ एकदम ऐसी डिसेंसी है, मतलब उसकी लाइफ में एक विलन भी है स्लीमन। सो मैं आपको स्टोरी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आप प्लीज़ जाइए और वेब सीरीज़ देखिए। वैसे जुगनू तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है, लाइक हैरी पॉटर ही है वो, और ऐसे तो मुझे कैरेक्टर बहुत पसंद आया। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जाके वेब सीरीज़ देखिए। जब आपको ऑफर आया इसका वेब सीरीज करना है, तो आप कितना सोचे, कितना टाइम लिया? टाइम नहीं लिया, लाइक बस पहले स्क्रिप्ट रीडिंग हुई, उसके बाद जब स्टोरी सुनी कि पार्थ कैसा कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर मुझे सूट हो रहा था। लाइक पार्थ इज़ वेरी इनोसेंट बॉय, ज़्यादा कुछ मस्ती नहीं, उसके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है। सो मैं इसी इंडस्ट्री से हूँ, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम 13 ईयर्स, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो इस इंडस्ट्री से ही हैं, मेरे बाहर ज़्यादा कुछ फ्रेंड्स नहीं हैं। तो ये कैरेक्टर मुझ पर ज़्यादा रिलेट कर रहा था, तो मैंने बिना कुछ सोचे इसके लिए वो किया। देन लुक टेस्ट हुआ, कॉस्ट्यूम ट्रायल्स, एंड देन शूट डे, और अब तो आप सभी ने देख ही लिया। एक्चुअली मैंने पहले ऑडिशन दिया था घर से, उसके बाद मुझे बुलाया, और मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया था पाथ के लिए, पर एक्चुअली पाथ का जो ईयर था ना वो 14 to 15 था, सो मैं उसके लिए सिलेक्ट नहीं हुआ। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि आप एक बार जो जुगनू के लिए भी इनके इसके लिए देके रख दो, ताकि हम हेड तक पहुँचा रखें। सो जुगनू का जो एज ग्रुप था वो 13 to 14 था, और उस टाइम में 10 का था, फिर भी मेरा पता नहीं सिलेक्शन कैसे हो गया और आज मैं यहाँ पे हूँ। प्रियांशु सर, ही इज़ अ वेरी फन एंड लविंग पर्सन, बहुत ही उनकी कॉमिक टाइमिंग वैसे ही बहुत अच्छी है, चाहे ऑन स्क्रीन हो या फिर ऑफ स्क्रीन हो। अभी भी बस हमें अगर एक दूसरे को देखने के लिए हमें कोई जोक क्रैक करना नहीं पड़ता, अगर हम एक दूसरे को देख लेंगे तो हंसी आ जाएगी, वैसा वो आई कॉन्टैक्ट में जोक्स पता है क्या हुआ क्या नहीं। और मधु मैम इज़ वेरी ब्रिलियंट एक्टर, जस्ट लाइक प्रियांशु सर, तो इनके साथ काम कर रहे हैं काफ़ी कुछ सीखने मिला, बिकॉज ऑफकोर्स इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो हर दिन कुछ ना कुछ सेट पे इनके साथ कुछ नया सीखने को मिला। और जब ऑफ डे होता था तब तो हम लोग घूमने जाते ही थे, लाइक हमने हिमाचल प्रदेश में सारा स्केड्यूल शूट किया, तो जब भी ऑफ डे होता था तो हम लोग वहाँ के फेमस टूरिस्ट स्पॉट पर घूमने जाते थे, जैसे कोई तारा देवी मंदिर, जाखू टेम्पल,
सो हाँ काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो गया था ऑफकोर्स बिकॉज इतने टाइम तक जब आप शूट करते हैं साथ में तो एक वो फैमिली टाइप बॉन्ड बन जाता है और वो स्क्रीन पे दिखना भी चाहिए बिकॉज प्रियांशु सर इज प्लेइंग माई फादर्स कैरेक्टर एंड मधु मैम इज प्लेइंग माई नानीज कैरेक्टर तो वो घर वाला बॉन्ड वैसा स्क्रीन पे ही नहीं वो ऑफ स्क्रीन होगा तभी वो आपको ऑडियंस को दिखेगा वो स्क्रीन पर. एक्चुअली जो मधु मैम है उनके साथ मेरा बॉन्डिंग लाइक फ्रेंडशिप जैसा था क्योंकि वो मेरी दोस्त बनी है वेब सीरीज में और मैंने उनका नाम रखा है ईरा तो उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड था लाइक तो मैं मेरे मुँह से बार बार मैम निकलता था तो मुझे वापस से रीटेक करना पड़ता था ताकि मैं ईरा बोल सकूँ और प्रियांश सर के साथ मेरे ज़्यादा टेक्स हुए नहीं है तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा मैं बोल नहीं पाऊँगा पर हाँ वो काफ़ी अच्छे हैं और उनकी एक्टिंग जब सीरियल से आप वेब सीरीज पे आते हैं तब ऑफकोर्स चेंजेस तो होते ही हैं बिकॉज सीरियल में कुछ लिमिटेड टाइम नहीं होता बट एक वेब सीरीज का एक स्केड्यूल टाइम होता है और मैं आप सबको बता दूं कि हमारा जो पार्थ और जुगनू का स्केड्यूल था वो था 50 days एंड हमने लाइक सारे एक्टर्स का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा हो गया था सब वन टेक हो रहा था तो इसलिए वो हमने 5 से 6 दिन पहले वो स्केड्यूल ख़त्म किया लाइक हमने 44 days में वो स्केड्यूल पूरा कंप्लीट हो गया जबकि वेदर कंडीशंस ख़राब थी उसके बावजूद हमने उसको 6 दिन पहले ख़त्म कर दिया एंड यस डिफरेंस तो होता ही है एंड ऑल्सो मैं ऐड करना चाहूँगा कि शूट जब आप आउटडोर लोकेशंस पे करते हैं तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं जैसे वेदर का चैलेंज हो गया या फिर कुछ तो एक चैलेंज ऐसा ही हुआ था कि जब हम एक एक्शन सीन शूट कर रहे थे तो उसके दौरान मुझे लिगामेंट टेयर हो गया था राइट हैंड पे हो गया था बिकॉज इस पे मैं गिर गया था उसमें गिरना ही था बट मैं इस पे एल्बो पे हो गया था और यहाँ पे झटका था वो लिगामेंट टेयर हो गया था तो वो चैलेंजेस की वजह से भी शूट डिले हो रहा था बट उसके बावजूद हमने शूट कंटिन्यू किया शूट नहीं रुका एंड देन वो शेड्यूल तो ख़त्म हो गया. मैंने तो बहुत इन्जॉय किया और लोकेशन थी हिमाचल और चेल सो हमने तो बहुत इन्जॉय किया और हमने बहुत सारा नाइट शूट भी किया और हमको जो नाइट शूट में टाइम मिलता था वो हम सब दम शलास खेल के टाइम पास करते थे और हमारा फर्स्ट डे नाइट शूट था तो हमने हमने पूरी रात दम शलास खेला और हम आई थिंक सोए भी हाफ ए नाइट थे उसके बाद हम नहीं सोए थे सो मैंने तो काफ़ी इन्जॉय किया वेदर को और प्लेस भी इतनी अच्छी थी कि हमने बहुत सारे पिक्स क्लिक किए बहुत सारी रील्स बनाई सो आई एंजॉयड द लोकेशन. जितना अब तक प्यार दिया है उतना ही वेब सीरीज पार्थ और जुगनू को उतना ही प्यार दीजिए. हमारी वेब सीरीज नहीं है आप सबकी वेब सीरीज है तो इसे जितना आप प्यार दे सकते हैं दीजिए पसंद करिए और हाँ बस 5 May को आ रही है Z5 पर ज़रूर देखिएगा. वेब सीरीज 5 May को आ रही है वेब सीरीज पार्थ और जुगनू सो कहाँ देखनी है Z5 पर देखनी है 5 May को. यस थैंक यू सो मच थैंक यू.